हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में विप्रो ने जो क्लोजिंग दी है दैट इज 529.60, इस पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर इसके 52 वीक की हाई की बात करें दैट इज 564, तो इसने 564 का 52 वीक हाई लगाया था 15 जून को। और फ्रेंड्स, हाई लगाने के बाद ये शेयर कंटिन्यूसली वहां से इसमें फॉल आया। और अगर डिलीवरी देखें तो इसमें जो डिलीवरी है दैट इज 42%, सो इट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, एक अच्छी डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है ये अभी एक बॉटम पे है और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस टाइम पे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेट्स सी ऑन द चार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट है हमारे विप्रो का और इस पे आप देख सकते हैं कि ये वन डे का कैंडल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इसने हाई लगाया था 15 जून को, वहां से फ्रेंड्स कंटिन्यूसली जो है इस शेयर ने एक गिरावट देखी गई है और कंटिन्यूसली ये गिर रहा है। और अभी जो है इसने अपना जो है एक सपोर्ट लिया 50 डे मूविंग एवरेज, ये फ्रेंड्स 15 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट अगर इसके प्रीवियस चार्ट की बात करें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इन दोनों जगहों पे, एंड यू कैन सी हियर, इन जगहों पे फ्रेंड्स ये हमेशा अपने 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर एक मोमेंटम दिखाता है। और अभी कंटिन्यूसली इसमें एक डाउनफॉल देखा गया है, तो एक फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ से ये इतना नीचे आया है, मोर देन 8% इट हैज फॉलन, तो 8% की गिरावट है और इस डिप पे हम इस शेयर को परचेज कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके क्या टारगेट्स हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं। तो फ्रेंड्स, जो टारगेट्स हैं इसमें फर्स्ट जो है स्टॉप लॉस फ्रेंड्स आपको 500 का रखना है जो इस स्विंग के पास है, जहां से इसने एक लास्ट टाइम मोमेंटम दिया था, यहां पे जो है हमारा स्टॉप लॉस है दैट इज अराउंड 500। और फ्रेंड्स, अगर इसके फर्स्ट टारगेट की बात करें दैट इज 550, अगर आप 520 पे इसने जो क्लोजिंग दी है, जो क्लोजिंग इसने अभी दी है 529 पे, तो यहाँ पे जो है 525 का इसका जो सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदना चाहते हैं तो आप इसे 520 से लेके 530 के रेंज में इसे परचेज कर सकते हैं, 520 to 530। सो फ्रेंड्स, इस रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप इस शेयर को परचेज कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट 550 जो यहाँ पे है, और जिसका सेकंड टारगेट है दैट इज 580, वो फ्रेंड्स तभी होगा जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और मे बी फर्स्ट टाइम अगर ये इसे ब्रेक करने आए इसे रिजेक्शन मिले। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट टारगेट है हमारा, इसके लिए आपको 4 to 8 ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट करना होगा फर्स्ट टारगेट के लिए। फॉर फर्स्ट टारगेट यू हैव टू वेट फॉर 4 to 8 ट्रेडिंग सेशन। और अगर इसके हम 580 की बात करें, सो फॉर दिस यू हैव टू वेट 2 to 3 months, 2 से 3 महीने में फ्रेंड्स आपको ये 580 के टारगेट्स भी इस शेयर में दिखेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसी न्यूज़ भी है मार्केट में कि विप्रो जो है एक बोनस शेयर भी इशू कर सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स जब भी विप्रो का शेयर एक ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो ये उसे बोनस शेयर देकर शेयर के प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं, तो मे बी ऐसा हो भी सकता है। और अपने इसके जो रिजल्ट हैं आने वाले, अभी Q1 के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, उसकी वजह से भी इस शेयर में एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे ये जो है ये इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और इसने 50 डे मूविंग एवरेज पे भी एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये शेयर एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के आपको अच्छे टारगेट्स दे सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे इसने एक बार यहाँ से लेकर जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बहुत ही अच्छा अपसाइड इसने दिया इस शेयर ने, तो यहाँ पे आप इसे परचेज कर सकते हैं फॉर गुड रिटर्न। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 550 और 580। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें वन डे में जो इसने 529 पे क्लोजिंग दी है तो दैट इज लॉस विद ए लॉस ऑफ 0.26%। ओके, अगर वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में इसमें एक नेगेटिव रिटर्न है दैट इज 4.46, बिकॉज फ्रेंड्स इसने एक ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे लगाया था, आफ्टर दैट दिस शेयर हैज फॉलन। और अगर इसमें 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में फ्रेंड्स इस शेयर ने जो रिटर्न दिए दैट इज 18% के रिटर्न दिए, और 1 ईयर में इसने 132% के रिटर्न दिए। एंड फ्रेंड्स, मैक्सिमम जब से ये लिस्ट हुआ ये शेयर तब से अगर बात करें तो फ्रेंड्स इस शेयर ने जो है 373
1737% के रिटर्न इसने दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा शेयर है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। एंड विप्रो जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की। एंड ये जो फ्रेंड्स विप्रो है, ये डिविडेंड भी देता है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, यू कैन परचेज दिस शेयर फॉर ए गुड रिटर्न। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।